अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम आए हैं ग्वाल मंडी। हम ग्वाल मंडी में आए हैं सहरी करने, और यहाँ की सहरी वैसे ही बहुत मशहूर है। तकरीबन ये 2 बजे का टाइम है, 1-2 बजे का टाइम है, और सारी ग्वाल मंडी खुली हुई है। हर जगह पे नाश्ते वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर सहरी का फुल इंतज़ाम है। हम जिनकी शॉप पे आए हैं, बहुत पुरानी दुकान है, शादी वगैरह के भी चीज़ें तैयार की जाती हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ही ग्वाल मंडी की पुरानी दुकान है, इनके बड़े चला रहे हैं और कमाल जायका है इनका। हाजी बशीर रेस्टोरेंट नाम है इनकी दुकान का। तो देखते हैं इनके पास अब क्या क्या चीज़ें हैं। ये आप ग्वाल मंडी देख रहे हैं, ये ग्वाल मंडी का बाजार है जो फुल भरा हुआ है। ये देखो जी, ये मगज आ गया, क्या मगज है, कमाल। अभी इसे टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा। ये भी निकाल रहे हैं, एक पाया लगवाया, एक मगज लगवाया। ये भाईजान बेहतरीन तरीके के साथ मगज निकाल रहे हैं। ये देखिए जी मगज, आप देख रहे हो क्या कमाल मगज निकाला, क्या लगवाया जनाब। ये आपके लिए पाया लगवाया, जबान ऐसी, मैं कहूँ लड़कों की बाहर आ जाएगी। तेरा की बाहर है। लो जी मगज भी आ गया है, पाया भी आ गया। ये देख रहे हो मगज को, बेहतरीन तरीके का मगज निकालना हुआ है। और ये बेहतरीन जायका, काली मिर्च देसी की, कमाल जायका। ये आप देख रहे हो पाया, कमाल पाया। बेचारे दी हसरत ही रह गई है, बेचारे याशी करनी सी, हसरत ही रह गई। हाँ बकर, तुझे जायका किस तरह का लगा? टेस्टी, मगर जो है वो ज्यादा मजे का। तो पाए भाई भी ठीक है, लेकिन मगज का अपना लेवल। अच्छा हाँ, एक तो मौलवी की अकलदार आ गई है, ऊपर से मगज खा रहा है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बंदा है ऐसे बंदे भी ज्यादा। मेरा अकलदार तो भी यकीन नहीं टूट गया। हलवा तो लाहौर की मछली पवन हिंदा हो गया। हाथ साफ करी जाए, शहर हाथ लाया बस हो गई। बहुत ऑफिस साहब।
पीनी नहीं दम करके सानू खत्म हो गया तो ना पहले होता सी हफ्ता हफ्ता दिन दे समझो तेरे जिसम के हिसाब में तू इस वक्त च हफ्ता लै सकता या अल्लाह एक एक तक बंद करके मान वालो अकेली शान वालो ले जी कन मगरम नाल आया वो क्या सी किल्ले आया अपने लोग अपने माँ बाप को कहते हैं सोना काका प्यारा मान के अपने माँ बाप का छोरा तो गंदा आई डोंट लाइक छोरा तो भी तुम अपने आप को बसंत नहीं करते मान मंगा ना और मेरी तो हो गई है बस और ये लोग जो है मुझे लगता है तंदूर बंद करा के उठना इन्होंने पर फिलहाल मैं हो गया हूँ बिल्कुल ही फुल। लस्सी भी बहुत कमाल थी, जायका बहुत कमाल था। इधर ये तकरीबन सारी तक खुला रहता है, इधर बहुत सी शॉप है कि कुछ ऐसी हैं। इंशाल्लाह हम कल जल्दी आएंगे, कोशिश करेंगे। और क्योंकि वो तकरीबन 12-1 बजे तक बंद हो गई उसकी, उनका सेल हो गई। ठीक है जी, बिल्कुल फुल हो गए। अब हम जाने लगे थे तो साथ ही हमें ये हमारे पीछे फलूदे वाला नज़र आ गया। ये आप देख रहे हो, इससे हम अब फलूदा ट्राई करेंगे और चेक करेंगे कि जी इनका फलूदा किस तरह का है। कि मौलवी साहब को हलवा बहुत याद आ रहा है, ये कह रहे हैं कि जी फलूदा ट्राई करके जाना है। तो आज तो दूल्हा फलूदा लाया जी, एक दो तीन चार पांच नहीं है, एक प्याली कर दे, छह चमचे नहीं यार फलूदा बना, बनाओ एक प्याली बनाओ जरा जबरदस्त। और अगर ये ने जेब पिया लिया ना, ये देखिए, ये देखिए मौलवी, ये चुप चुप के खाने वाला बुद्धे ने हलवा समझ के बुद्धे ने हलवा समझिया। हाँ जी माँ जी, कैसा फील हुआ? हड्डियां ये अच्छा था। हाँ जी मौली साहब, मजा आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह, तो यकीन ना घर जाके भी सारी गड्डी अल्हम्दुलिल्लाह।
ओके यार अल्लाह हाफिज़, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।